अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ। सो व्यूअर्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। सो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। بسم الله الرحمن الرحيم सो व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है चिकन, दही। दही मेरे पास फ्रोज़न फॉर्म में थी, अगर आपके पास फ्रेश दही है तो आप वही यूज़ करें, वो बेस्ट रहती है। स्पाइसेस में हमारे पास है नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी और काली मिर्चें। क्योंकि हम चिकन हरी मिर्च बना रहे हैं इसलिए हरी मिर्च हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, और उस हरी मिर्च को मैंने इस फॉर्म में काट लिया है। इससे गार्निशिंग बहुत प्यारी होती है और जो हरी मिर्च की स्मेल है वो हमारे पास चिकन में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में काटा है। उसके अलावा मैंने बनाई है प्यूरी टमाटो और लहसुन की। उसके साथ है हमारे पास ऑयल, जिसके बगैर हमारी कोई भी रेसिपी अधूरी है। सो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल दी है हमारी प्यूरी। प्यूरी को आपने तब तक पकाना है जब तक कि उसका पानी सूख नहीं जाता। सबसे पहले तो आपने जो टमाटर लेने हैं उनको आपने बड़ा 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 काटना है, छोटा नहीं काटना, क्योंकि छोटा काटने से ये होता है कि वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होते। तो बड़ा काटने से वो अच्छे से ग्राइंड होंगे और उनका बहुत ही अच्छा जो है हमारी प्यूरी में मिक्सचर बनेगा। पानी जब अच्छे से खुश्क हो जाए तो आपने इस मिक्सचर को ऑयल में अच्छे से पकाना है। इससे ये होगा कि चिकन एक तो चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और जो हमारे पास टमाटो और लहसुन की जो स्मेल होती है उसका कच्चापन होता है वो भी ख़त्म होता है। चिकन का टेक्सचर मज़े का होता है और चिकन ईजीली और बहुत आराम से इसमें पक जाता है। जब ये अच्छे से पक जाए और ये हल्का हल्का इस पर उबाल आने लगे तो आपने इसके अंदर चिकन डाल देना है। चिकन डालने के बाद इसको हल्की आंच पे पकाना है, ऊंची आंच नहीं करनी। एक तो ये होगा कि ऊंची आंच करने से जो चिकन है वो सख्त हो जाएगा, हल्की आंच पे पकेगा तो चिकन बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, वो सख्त नहीं होगा। और आपने इसे तब तक पकाना है जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। जैसे ही आप देखेंगे चिकन अब अच्छे से गल गया है और इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है तो आपने इसमें स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस में आपने नमक डालना है हसबे जायका, आपने आधा चम्मच डालना है सूखा धनिया, आपने आधा चम्मच ही डालना है इसमें गरम मसाला, चुटकी भर आपने हल्दी डालनी है और आधा चम्मच आपने डालना है काली मिर्ची। उसके बाद आपने इसको हल्के से ना हिलाना है, ज़ोर से हिलाना नहीं है, क्योंकि ज़ोर से हिलाने से ये होता है कि चिकन जब गला हुआ हो तो ज़ोर से हिलाएंगे तो चिकन टूट जाता है, उसकी जो ना पीस होती हैं वो अलग हो जाती हैं तो चिकन खूबसूरत नहीं रहता। तो इस तरह आपने इसको अच्छे से हिलाना है ताकि जो हमारी प्यूरी है उस पर भी हमारे सारे मसाले मिक्स हो जाएं, जो हमारे और हमारे जो पीस हैं उस पर भी हमारे मसाले मिक्स हो जाएं। जब मसाले मिक्स हो जाएं और ये अच्छा इतना खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आपने इसके अंदर दही डाल देनी है। मैं फिर बता रही हूँ कि दही मेरे पास फ्रोज़न थी ना, अगर आपके पास ना फ्रेश दही है तो आप फ्रेश दही ही यूज़ करें और कोशिश करें कि उसको पहले ना फेंट लें। फेंटने से ये होगा कि हमारी ना कढ़ाई में जो कि जो दही है वो बहुत अच्छे से हमारी प्यूरी के साथ, हमारे मसालों के साथ, हमारे ना पीसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अब जब आप देखें कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, पकने की अच्छी स्मेल नहीं आ रही, आप थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको थोड़ा सा भी कच्चापन में महसूस हो रहा है तो आप इसको थोड़ा और पका लें, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो बस फिर आपकी कढ़ाई रेडी है। गार्निशिंग के लिए आपने इसके ऊपर हरी मिर्ची डाल देनी है, धनिया डाल देना है, पुदीना डाल देना है, जो आप यूज़ जो जो आप ना यूज़ करते हैं। अगर आपके पास अदरक है तो आप अपना हल्की हल्की पतली पतली सी अदरक काट के वो भी डाल सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत उसका लुक आता है। सो हेयर हमारी ना जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, मुझे लाजमी बताना है कि आपको हमारी कढ़ाई कैसी लगी।